ये कार्टून सीरियल आपने बचपन में बहुत देखा होगा। इसमें दो नए बोलने वाले करेक्टर जो सबको हंसाते हैं। इस कार्टून सीरियल का नाम है टॉम एंड जेरी। ये लगभग पूरी दुनिया में देखा जाता है। टॉम एंड जेरी जैसे यादगार कार्टून करेक्टर और दुनिया को एनिमेशन की ताकत से रूबरू कराने वाले जीन डाइच हैं। इन्होंने एकेडमिक अवार्ड के साथ साथ ऑस्कर अवार्ड भी जीता है। इन्हें सबसे ज़्यादा पहचान टॉम एंड जेरी की वजह से मिली थी। टॉम एंड जेरी के साथ इन्होंने पोपाय द सेलर सीरीज और मुनरो जैसी बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म बनाई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन्होंने टॉम एंड जेरी को बनाने का ख्याल कहां से आया और फिल्म करियर की शुरुआत करने से पहले यह क्या क्या करते थे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों, मैं ऐसी ही वीडियो लगातार लाता रहता हूँ। जीन डाइच का जन्म 8 अगस्त 1924 को शिकागो में हुआ था। जीन पहले उत्तरी अमेरिका में सेना से जुड़े हुए थे। वे पायलटों को ट्रेनिंग देने और सेना के लिए ड्राफ्टमैन का काम करते थे, लेकिन सेहत संबंधी परेशानियों के चलते उन्हें 1944 में सेना से हटा दिया गया। बाद में वे एनिमेशन के क्षेत्र से जुड़ गए। इसके बाद उन्होंने टॉम एंड जेरी कार्टून करेक्टर क्या सोचकर बनाया, एक इंटरव्यू में उन्होंने साझा किया था। जीन डाइच ने बताया था कि मैं 1944 में सेना की नौकरी छोड़कर हॉलीवुड के मशहूर MGM प्रोडक्शन हाउस के साथ जुड़ गया। टॉम एंड जेरी की शुरुआत भी यहीं से हुई। इसे बनाने से पहले मेरे सामने यह चुनौती थी कि बिल्ली और चूहे की कभी न ख़त्म होने वाली इस लड़ाई में भाषा और किसी भी देश की सीमा से परे मैं ऐसा करेक्टर बनाऊं जिसे लोग सालों तक याद रखें, यानी ऐसा करेक्टर जो बिना कुछ बोले अपने भाव से सबको हंसा सके। उन्होंने बताया कि इस बीच मेरी मुलाकात विलियम हन्ना और जोसेफ बारबरा से हुई। दोनों MGM स्टूडियो में काम करते थे। दोनों बहुत मेहनती थे। मैंने टॉम एंड जेरी के करेक्टर्स पर उनके साथ मिलकर काम करना शुरू किया। एनिमेटर होने के नाते मुझे एक सीरीज में हज़ारों कार्टून स्ट्रिप बनाने पड़ते थे, क्योंकि तब कंप्यूटर की तकनीक नहीं हुआ करती थी। जिन ने कहा था कि टॉम एंड जेरी का करेक्टर मेरे दिमाग में ऐसे घुस गया कि रात के सपने में भी मुझे वो आपस में लड़ते हुए दिखाई देते थे। सुबह उनकी लड़ाई को मैं कागज़ पर उकेर देता था। 1957 में MGM स्टूडियो ने अपने एनिमेशन यूनिट को बंद कर दिया। 1959 में जीन डाइच प्राग घूमने के लिए गए। यहाँ वह सिर्फ 10 दिन बिताने के लिए आए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यहाँ उन्हें फ्यूचर वाइफ मिल जाएगी। उन्हें जेडुनको से प्यार हो गया और उन्होंने अपना ठिकाना चेकोस्लोवाकिया में ही बना लिया। इसके बाद जीन डाइच ने टॉम एंड जेरी के 13 एपिसोड डायरेक्ट किए। उन्होंने पोपाय द सेलर सीरीज के भी कुछ एपिसोड डायरेक्ट किए थे। जीन ने 1989 में चेकोस्लोवाकिया और चेक में कम्युनिस्ट विरोधी क्रांति होने के बाद प्राग में रहने का निर्णय ले लिया। एनिमेशन में अपना अतुल्य योगदान देने के लिए 2004 में जीन को विंसर MC के अवार्ड से सम्मानित किया गया था, लेकिन अफसोस उनका 95 साल की उम्र में निधन हो गया। वे 16 अप्रैल 2020 को प्राग के अपने अपार्टमेंट में मृत मिले थे। तो दोस्तों, ये थे टॉम एंड जेरी कार्टून करेक्टर्स को बनाने वाले जिन्होंने सबको हंसाया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।